रायबरेली और अमेठी सीट गांधी परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी रही है। इस बार समीकरण बदला हुआ है। अमेठी से गांधी परिवार नहीं लड़ रहा, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव भले ही राहुल लड़ रहे हों, लेकिन चुनाव प्रचार युद्ध की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में ही रहेगी। उन्होंने रायबरेली के साथ अमेठी के सियासी रण की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के नामांकन के बाद से ही प्रियंका फोन पर पार्टी नेताओं के संपर्क में बनी हुई हैं। वो रायबरेली में 6 मई से 18 मई तक लगातार खूंटा गाड़े रहेंगी। रायबरेली और अमेठी में बूथ प्रबंधन का जायजा लेंगी, गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगी, सभी समुदायों में आउटरीच बढ़ाएंगी। दलित महिलाएं, युवा, डॉक्टर, शिक्षक, राजपूत, ब्राह्मण और अन्य जातियों के लोगों से मुलाकात करेंगी, उनकी समस्याओं को जानेंगी। चुनावी अभियान के लिए रायबरेली में दोनों संसदीय सीटों के लिए अलग अलग वॉर रूम बनाया गया है, जहां हर एक बूथ का डेटा अपडेट किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और बाकी अभियान प्रियंका गांधी की ही निगरानी में होगा। यूपी कांग्रेस के करीब 20 नेताओं का चयन किया गया है, जो प्रियंका गांधी की अगुवाई में प्रचार युद्ध को धार देंगे। 15 से 20 स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी प्रचार अभियान से जोड़ा गया है। राहुल गांधी के नामांकन में जिस तरह से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पहुंची और समर्थकों के बीच उत्साह दिखाया, उससे ये साफ संदेश गया है कि अगर रायबरेली से राहुल गांधी सांसद बने तो प्रियंका और सोनिया गांधी का जुड़ाव पहले की ही तरह बना रहेगा। खैर, सवाल ये है कि प्रियंका की ठोस रणनीति अमेठी में स्मृति ईरानी को धूल चटा पाएगी? क्या वो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट बीजेपी के दांव पेच से बचाने में सक्षम होंगी?